हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस लॉकडाउन ने बिल्कुल नया नाश्ता। आप इसे ट्राई कीजिएगा, फैमिली वालों के साथ खाइएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप इसे इफ्तारी में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और कम टाइम में। और इसे बनाकर आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं कम से कम 15 दिन तक। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले मैं बता दे रही हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो इधर हमने लिया फ्रेश हरा धनिया ढेर सारा, और हरे धनिया का फ्लेवर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा। और इधर हमने लिया गेहूं का आटा जो हमारा 1 कटोरी है, और इधर हमने लिया सूजी, और सूजी हमारी बारीक वाली है इस तरह से। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो आप मिक्सी जार में डालकर इसे बारीक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने गेहूं के आटे का आधा लिया है सूजी, और गेहूं की मात्रा है 100 ग्राम और सूजी हमने लिया है 50 ग्राम। इधर हमने बिल्कुल छोटे छोटे से टमाटर लिए हैं 5, और इधर हमने मोटाला 2 मिर्च लिया है। अगर आपके पास पतला वाला मिर्च हो तो आप पतले वाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस समय था नहीं, लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पाया, तो मैं ये फ्रिज में रखे मोटे वाले मिर्च का इस्तेमाल करूंगी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बर्तन ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे सूजी अपनी, और अब इसके बाद इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। तो फिर सूजी का आटा डालने से ये होगा, सॉरी सूजी डालने से ये होगा कि क्रिस्पी लगेगा, गेहूं का आटा उतना क्रिस्पी नहीं हो सकता है। तो इसमें हमने सूजी ऐड की है। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसके लिए चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे दही, 2 चम्मच तक दही डालेंगे, और ये हमारे घर का दही है, ज़्यादा दही नहीं जाएगा, 2 चम्मच दही जाएगा बस। और दही डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसे बिना दही के भी बना सकते हैं, बस फ्लेवर में थोड़ा सा अंतर आएगा, दही डालने से थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा और काफ़ी अच्छा। लेकिन दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए। और दही डालते समय आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि फ्रिज का दही नहीं इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा दही नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर का दही इस्तेमाल करना है और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिला लिया मैंने, देखिए बढ़िया तरीके से मिला लिया है। तो ये हमारा मिल गया है, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो 1/2 चम्मच नमक डालने हैं। और अब इसके बाद इसमें डालेगा फ्रेश हरा धनिया जो हमने घर करके रखा है, और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालेंगे, 1/2 चम्मच डालने हैं। फिर इसके बाद 2 पिंच तक गरम मसाला, और अब इसमें हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा। तो फ्रेंड जीरा जाएगा हमारा 1 चम्मच भर कर, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा फ्लेवर हमारे आटे और सूजी में मिल जाए। और इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो हमने मिला लिया है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तो गरम ऑयल इस्तेमाल करना है। तो 1/2 चम्मच तक हम गरम ऑयल इसके अंदर डाल देने हैं इस तरह से, और डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल डालने से एक क्रिस्पी बनेगा और काफ़ी मज़ेदार बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक थोड़ी सी कुटी हुई। तो फिर इसमें हम डालेंगे इतना अदरक जो हमने कूच लिया, यानी इसको क्रश कर लिया है। आप चाहे तो महीन महीन चॉप करके भी डाल सकते हैं, पीस कर भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच तक सोडा, बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके बिना भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आने के साथ साथ ये थोड़ा सा फ्लफी बनेगा। तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया थोड़ा सा, और इसे डालकर अच्छे से मिला लूँगी। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से, और मिलाते जाएंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। और इसमें सूजी है तो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा काफ़ी, तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। और इस तरीके से आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब इसकी सूजी अच्छे से 5 मिनट में फूल जाएगी तो ये काफ़ी अच्छे से थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट तक, और ये देखिए थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया है, और अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए।
तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट बाद ये काफी थिक हो चुका है और अब अच्छे से सूजी हमारी फूल चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तक ये सरसों के दाने, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और इसे डालकर मिला लेंगे। अगर आपके पास सरसों के दाने ना हो तो आप रहने दीजिएगा, उसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हो तो जरूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम आ जाते हैं अपने टमाटर की तरफ। तो हम सबसे पहले अपनी ग्रीन चिली को सब्जी कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसी में अपनी ग्रीन चिली को इस तरह से कद्दूकस करते जाएंगे, और ये बहुत बारीक अलग कद्दूकस है, तो इससे अच्छे से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया अच्छे से, और अब हम अपने टमाटर को कद्दूकस करेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी में पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया हुआ बहुत बढ़िया आएगा। तो इस तरह से हम अपने सारे टमाटर को इसके अंदर कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फिर हमें इसकी ये स्किन का यूज नहीं करना है, इसे हम निकाल देंगे, और जितना इसका पेस्ट गिरेगा बस इसको पेस्ट को गिराना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे टमाटर को कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही आसानी से, और इसकी स्किन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 5-6 टमाटर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप बड़े टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 3 डालने हैं, अगर छोटे टमाटर हैं तो आप इसमें 5 टमाटर डाल सकते हैं। और ये वाली जो स्किन होगी इसको नहीं डालना है, देखिए इसको हटा दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कर लिया है, और हम मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए टमाटर डालने के बाद इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, अभी थोड़ी देर बाद इसका कलर और चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और सारी चीज़ें मिलाने के बाद ये मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, और काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है। और अब चलते हैं गैस की तरफ, बहुत ही कम ऑयल में, 1/2 चम्मच ऑयल में हम ये नाश्ता बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ब्रेकफास्ट में आप इसे ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसे लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं, तो परफेक्ट है ये आपके लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ और फटाक से इसे बनाते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, आप चाहे तो इसे इस तरह से फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप नाश्ता बनाइए, और इस तरह से आपका मिश्रण होना चाहिए, देखिए। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ, और हमने चढ़ा दिया है एक पैन, और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच ऑयल, और ऑयल डालकर अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। इस तरीके से अच्छे से फैलाना है ऑयल को, और 1/2 चम्मच ऑयल काफी है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम सूती कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ देंगे इस तरह से, और इस तरह से पोंछ दिया हमने, और तो इस तरह से अच्छे से पोंछ दिया है। और अब थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे इस तरह से, ताकि छिटके ना, और अब इसे पानी के छींटों को गायब होने का वेट करेंगे, और गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे। और ये वाला जो चम्मच होता है इससे हम बनाएंगे नाश्ता, और अब हम अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। तो पानी अच्छे से गायब होने के बाद अपने मिश्रण को हम चला लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। तो देखिए मिश्रण को अच्छे से चलाने के बाद अब हम इस पर डालेंगे। तो इस तरह से हम मिश्रण को लेंगे, और इसे अच्छे से इस तरह से हम चला लेंगे, और 2 चम्मच मिश्रण लेंगे, और शेप हम अपने हिसाब से बड़ा और छोटा रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़े शेप में बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे शेप में बना सकते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा ना पतला बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे, और इस तरीके से हम इसे कर दिए हैं, और अब इसे हम पकने देंगे। चलाना बिल्कुल भी नहीं है, पकने देना है लमसम 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट बाद देखिए आप इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो चुका है, इस तरह से देख सकते हैं। और अब इसे हम टर्न कर लेंगे इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा ये रिच लगता है खाने में, और इसे अब हम निकाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड आइए फिर से बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाने से पहले हम मिश्रण को मिला लेंगे, और इस तरीके से इस मिश्रण को हमें रखना है 2 चम्मच, और इसे अच्छे से इस तरह से हिला लेना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा जूसी और अमेजिंग फ्लेवर आता है इससे, ये टमाटर का बना ये नाश्ता है। तो सेब आप अच्छे से दे लीजिएगा इस तरह से, और अब हम इसे कुक होने देंगे बिना ढक्कन लगाए 3 मिनट। 3 मिनट बाद फिर टर्न करेंगे।
तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टर्न कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है और इस तरीके से ये रेडी हो चुका है और इसे हम निकाल लेंगे।